धनबाद लोकसभा भाजपा प्रत्याशी झुलू महतो सेंद्री विधानसभा अंतर्गत झारखंड के पितामह शहीद विनोद बिहारी महतो के समाधि स्थल पहुंचकर शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। साथ ही स्वर्गीय पूर्व सांसद राजकिशोर महतो का श्रद्धा सुमन कर अर्पित कर आशीर्वाद लिया। बलियापुर में सेंद्री विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी पहुंचे, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा कार्य समिति सदस्य धर्मजीत सिंह, ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, शपन बनर्जी, आशीष मुखर्जी, मंटू रवानी, सुनील मोदक, मिंटू साव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हैं। देखिए, ढुल्लू महतो जी का तो आगमन हमेशा होते रहा है, लेकिन आज जो मुख्य रूप से यहाँ जो कार्यक्रम था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे झारखंड प्रदेश में 31 और 1 तारीख को दो दिनों का था कि 81 विधानसभा में हम जो अभी तक हमारा जो काम चल रहा था संगठन का, उसको बूथ स्तर तक समीक्षा करना, और हमारे तमाम जो है बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आज पहुँचे थे, और सभी का उत्साह देखने में लग रहा था कि गजब का उत्साह था। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं के पास था, और हम बहुत दिनों से इधर 3-4 दिनों से धनबाद के आसपास भी घूम रहे हैं, तो ये उत्साह बताता है कि हम धनबाद लोकसभा बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और एक रिकॉर्ड स्थापित धनबाद की जनता कायम करेगी। 2019 में सर 4,86,000 मतों से जो है लीड किए थे डीएमसी ने, इस बार कितना जो है मतों से जीतने का? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि 2009 में जब भाजपा लड़ी थी तो पीएन सिंह जी, आपको याद होगा कि लगभग 60,000 वोट से जीते थे, और फिर जब 2014 में लड़े थे तो बीजेपी फिर 2,96,000 से जीती, और फिर जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी 4,86,000 से लीड किया। तो धनबाद की जनता हर बार भारतीय जनता पार्टी के अंतर में हमेशा 2-2.5 लाख का अंतर कराते रही है। तो आप मान के चलिए कि आने वाला जो समय है, और धनबाद की जनता से हम ये आशा और उम्मीद भी करते हैं कि अपना रिकॉर्ड धनबाद की जनता बरकरार रखेगी, और जिस तरह से 2 लाख 2 लाख बढ़ाते गया, वैसे ही 2 लाख और मार्जिन बढ़ेगा। राम मंदिर का भी मुद्दा सबसे प्रमुख है, तो वोट जो है ज़्यादा होना चाहिए भाजपा के। नहीं, तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धनबाद की जनता हमेशा 2-2 लाख का अंतर बढ़ाते जा रही है। 14 में 2,96,000 था, तो 19 में 4,86,000 आ गया। आप मान के चलिए कि 2024 में ये अंतर 7 लाख पार करेगी। पार्टी के अंदर भी थोड़ा कला देखने को मिल रहा है, क्या कोई कला नहीं है पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं समर्पित होते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारे पार्टी के अंदर किसी तरह का, आपके सामने बैठक हुई, कहाँ कोई कला हो? नहीं, मंडल के कार्यकर्ता नदारद नहीं रहे, मंडल के कार्यकर्ता उपस्थित थे, उसमें से कुछ हमारे जिसका दायित्व था वो कुछ लोग, किसी का कोई कारण रहा जिसके कारण नहीं आया, किसी के घर में किसी का, तो हम देखे कि पिताजी डेथ कर गया, कोई इलाज के लिए बाहर गया है, कोई बीमार है, तो इस तरह करके कुछ लोग नहीं आए, बाकी तो सारे कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया? हम लोग अपना बूथ सबसे मजबूत करने की जो हमारा संकल्प है, और मोदी जी के 2047 जो सपना देखे हैं मोदी जी कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसी मोदी जी के साथ में हमारे तमाम एकक कार्यकर्ता मोदी जी के साथ खड़े हैं, और अपने बूथ को मजबूत करने के लिए कृत संकल्पित है। इस बार भी मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाए? स्वाभाविक है, मोदी जी का 10 साल का काम काज पर जनता मोहर लगाएगी। अपना परिचय? सुरेश साव, धनबाद लोकसभा प्रभारी, और आज ये सिंदरी विधानसभा के हम मुख्य अतिथि थे।